ECAT Mathematics F.Sc Part 1 जिसमें के चैप्टर नंबर 10 है जो कि है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड उसमें जिन टॉपिक्स को आज हम डिस्कवर करेंगे उनमें पहला है जी द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड ये है कि डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो हम सबसे पहले एक एमसीक्यू जो है उसको सॉल्व करते हैं जो कि इस तरह से है कि फंडामेंटल लॉ इज हमसे पूछा ये जा रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से जो फंडामेंटल लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है ठीक है क्या वो कॉज ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉज ए इनटू कॉज बी प्लस साइन ए इनटू साइन बी है यानी कॉज को हम कोसाइन ए भी बोल सकते हैं ठीक है सेकंड है कि कॉज ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल टू कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी इसी तरह हमारे पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी है अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है हम इस पे रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर लेते हैं हम ऐसा करते हैं कि हम जो ए एंगल है इसे फर्ज कर लेते हैं कि ये अगर 60 डिग्री हो ठीक है और बी एंगल जो है वो अगर 30 डिग्री हो तो फिर ए डिफरेंस बी एंगल कितना होगा ये 30 डिग्री आ जाएगा ठीक है यानी मैं ऑप्शन बी को पहले देख रहा हूँ कि क्या ये ठीक है या नहीं तो इसमें देखें आप अगर कोसाइन ऑफ 60 डिफरेंस 30 ये बंदा 30 कॉस 30 की वैल्यू देखें तो हमें पता है कि कॉस 30 की वैल्यू आती है जी स्क्वायर रूट 3/2 ठीक है स्क्वायर रूट 3/2 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट 3/2 अब राइट हैंड साइड को देखते हैं कि उसका जवाब क्या आ रहा है अगर कॉस 60 की बात की जाए 60 डिग्री की तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 इसी तरह से अगर कॉस 30 की बात की जाए ऑलरेडी हम लिख चुके हुए हैं तो वो स्क्वायर रूट 3/2 है इसी तरह साइन 30 डिग्री की अगर बात की जाए तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और जो हमारे पास कोसाइन सॉरी साइन 60 डिग्री है इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो ये होती है अंडर रूट 3/2 अब इन वैल्यूज को यहाँ पे दर्ज करते हैं देखिए कॉस जो हमारे पास ए एंगल है यानी 60 है इसकी वैल्यू 1/2 ठीक है फिर इस पे कॉस बी जो के कॉस 30 डिग्री ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3/2 ये भी आ गई वैल्यू प्लस इसी तरह साइन ए यानी साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और साइन बी मींस के साइन 30 की वैल्यू जो कि 1/2 अब अगर इन्हें इनका सम किया जाए देखिए यहाँ पर मैं इनका सम कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर्स में 1 और अंडर रूट 3 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा जबकि डिवाइजर में 2 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएंगे प्लस इसी तरह 3 अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा अब अगर हम इन्हें ऐड करें देखें इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं और इनके न्यूमरेटर्स जो हैं वो अंडर रूट 3 टू टाइम्स आ रहे हैं इसलिए ये ऐड होके इसका कोफिशियंट जो है स्क्वायर रूट 3 का वो 2 हो जाएगा और 2 के टेबल से 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 हमारा जवाब स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर रूट 3/2 थी और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर रूट 3/2 आई है इसके अलावा अगर आप बाकी इन तमाम जो रिलेशंस हैं इनमें ए और बी की वैल्यू कोई भी सिलेक्ट करके सॉल्व करेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड जैसा नहीं मिलेगा इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है या जिसे मैंने स्टार या ब्लू कलर में लिख रखा है ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है ठीक है और यही इस क्वेश्चन का जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा जी नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर लिखा हो कि कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी इसका डिफरेंस दिया जा रहा हो कॉस ऑफ एंगल ए डिफरेंस बी से या ए माइनस बी से तो ये किसके बराबर होगा इन चार ऑप्शन में से ठीक है अब इसके लिए भी हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है यानी हम ये भी टेक्निक यूज कर सकते हैं कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसकी डिडक्शन से फार्मूलाज जो हमने बना रखे हैं हम उन्हें यूज़ करें
जैसे कॉस ए प्लस बी जो है इक्वल होता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, ठीक है, अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है जी, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है जी, और इसी तरह बल्कि ये बी मुझे लिखना है साइन ऑफ बी। अब जब हम कॉस ए डिफरेंस बी का फार्मूला ओपन करेंगे तो इसमें भी कॉस ए कॉस बी आएगा लेकिन प्लस साइन ए साइन बी, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से जो टर्म फर्स्ट टर्म थी कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी एंगल, ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगी और जो सेकंड जो पॉजिटिव साइन के साथ थी वो भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी और आएगा साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। इसके फार्मूलाज हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, आप वो रिवाइज कर सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये बिल्कुल लाइक टर्म्स है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, इनके कोफिशिएंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जबकि सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म इनके कोफिशिएंट जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो माइनस वन फर्स्ट इस टर्म का कोफिशिएंट है और माइनस वन इसका, तो ये माइनस टू टाइम साइन ऑफ ए एंगल साइन ऑफ बी एंगल, यानी ये जो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है हमारे पास ये इसका जवाब है। और इसमें अगर हम एंगल ए और एंगल बी कोई भी एंगल चले फर्ज करें एक्यूट एंगल ही पुट कर लें तब भी हम देख सकते हैं कि ये साइड का आंसर जो भी है इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो इस एक्सप्रेशन के आंसर से मैच कर जाएगा। जी स्टूडेंट्स चलिए हम नेक्स्ट एक एमसीक्यू अब देखते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ हमारे पास इस तरह से, इफ साइन ऑफ एंगल अल्फा इसकी वैल्यू हो जाए 2/3 यानी पॉजिटिव साइन के साथ है तो, एंड कोसाइन ऑफ बीटा जो है इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है 4/5 जबकि अल्फा और बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बात हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, देन हमें फाइंड क्या करना है साइन अल्फा डिफरेंस बी जो भी एंगल बनेगा उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, ये बात हम जानते हैं कि साइन जो अल्फा डिफरेंस बी है अल्फा डिफरेंस बीटा है सॉरी इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस अगर यहाँ नेगेटिव साइन तो हम नेगेटिव पुट करते हैं कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये हमें इसका आंसर देगा, लेकिन अब यहाँ पर जिस हमें साइन अल्फा की वैल्यू तो पता है अगर आप देखें 2/3 बनती है, ठीक है, और कॉस बीटा की वैल्यू पता है 4/5 गिवन है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कॉस अल्फा साइन बीटा क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूँ ये बात जान सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा ये बात हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, ये फंडामेंटल जो एक हमारे पास आइडेंटिटी है ये इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी है हमने तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा को और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है जी, और अब इनकी वैल्यूज को अगर दर्ज किया जाए साइन अल्फा की वैल्यू 2/3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 9 एलसीएम आएगा और अब इसके न्यूमरेटर्स को अगर सॉल्व किया जाए तो 9 1 × 9 होता है इसका मतलब 9 1 से मल्टीप्लाई के 9 9 9 से कैंसिल 4 ये 5/9 - 4 5 आता है 5/9 आंसर आ जाएगा, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास √5/√9 जो कि 3 के इक्वल है, ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर ये लिख ली। अब इसके बाद जो हमारे पास साइन बीटा है इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ स्क्रीन को, अब हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं कि वो क्या आएगी। देखिए साइन बीटा के लिए भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि इक्वल आएगा 1√1 - कॉस स्क्वायर बीटा के, ठीक है, बिल्कुल इसी फार्मूला को यूज़ किया है जो कि अभी मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया था। अब इसमें कॉस बीटा की वैल्यू 4 है 4/5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, जबकि इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो ये 25 - 16/25 बनता है जो कि
25 में से 16 का डिफरेंस होता है 9 और 25 का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 होता है 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो देखें इधर भी 3 5 टाइम 15, ये भी 3 5 टाइम 15, 15 डिनोमिनेटर में आ गया, जबकि न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। तो 2 4s are 8 और 3 × √5, तो ये हमारा ऑप्शन बनता है, आंसर मतलब बनता है इस वैल्यू का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो भी गिवन वैल्यू होगी उसको, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए आपने रिमेनिंग अननोन जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, और जो हमने डिडक्शंस में लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़े हुए हैं उन्हें अप्लाई करते हुए हम आंसर तक पहुंचेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज व्हाट, यानी कि जो हमारे पास कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन की डोमेन है जो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है, उसके अंदर रहते हुए वो कौन सा एंगल होगा कि जिसको पुट करने से हमारे पास जो ये डिफरेंस है ये इन ऑप्शन में से एक वैल्यू दे रहा है और वो एक मैक्सिमम वैल्यू, यानी इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमने एक बात नोट की, हम देखा अगर हम कॉस जीरो पुट करते हैं, कॉस जीरो वन होता है जबकि साइन जीरो जीरो ही होता, तो ये डिफरेंस वन वैल्यू दे रहा है, लेकिन अभी अब देखें इधर से हमें पता चल रहा है कि जीरो से बड़ा एक आंसर अवेलेबल है, यानी वन हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन फिलहाल अभी इन दो ऑप्शंस के ऊपर भी बात करनी है हमने। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉस 180 डिग्री की बात करें, तो कॉस 180 माइनस वन होता है जबकि साइन 180 जीरो हो जाता है, तो ये आंसर माइनस वन आएगा, यानी इनसे एक मिनिमम वैल्यू आ रही है, वन से भी छोटी, जीरो से भी छोटी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं, पॉजिटिव 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव 45 डिग्री, तो हमारे पास जो आंसर आता है, चूँकि कॉस 45 डिग्री जो है वो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और साइन की भी 45 पे वैल्यू होती है 1/√2, तो ये डिफरेंस हमें जीरो वैल्यू दे देता है, इसका मतलब ये भी मैक्सिमम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए जब हमने कॉस की वैल्यू -45 डिग्री, यानी एक्स को -45 डिग्री पुट किया, चूँकि कॉस एक इवन फंक्शन है, ठीक है, ये इवन क्यों है, क्योंकि ये जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्स जो है वो एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आता है, और वाई जो है वो साइन कोऑर्डिनेट के, तो मतलब साइन जो फंक्शन है इसके बराबर आता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर कॉस का नेगेटिव भी ले लिया जाए तो वो उसकी वैल्यू वही होती है जो कि उसके पॉजिटिव एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो कि 1/√2 है, जबकि अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो साइन -45 की वैल्यू और साइन +45 की वैल्यू वो एक जैसी नहीं होती, उनमें या एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होते हैं, क्योंकि साइन एक हमारा ऑड फंक्शन है। ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर मैं डिटेल में जो है वो बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आ गई है। अब इन वैल्यूज को अगर -45 के लिए देखा जाए कि ये मैक्सिमम क्या वैल्यू देता है हमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 -(-1/√2). ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1+1 यानी 1/√2 +1/√2 दो दफ़ा आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर तो एक जैसा है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1+1 कितना आ जाएगा 2। अब इसे अगर हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, यानी इसको √2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और √2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें √2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 2 के बराबर है, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2/√2, और 2 यहाँ पर अपने मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर √2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें √2 एक, चूँकि 1 से बड़ी वैल्यू होती है, अगर हम
कैलकुलेटर में भी देखें तो इसकी वैल्यू मतलब 1 से हमें बिगर ही नज़र आएगी, क्योंकि मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर 2 का अगर अंडर रूट लिया जाए तो ये 1.4142 आती है। इसका मतलब कि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से, वो एक्स इक्वल टू -45 डिग्री पे मिलती है, जो कि √2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो कि इस तरह से इसकी स्टेटमेंट कि इफ साइन ऑफ थीटा प्लस कोसेकेंट ऑफ थीटा, ये दोनों सम जो है हमारे पास √3 के बराबर हो। ठीक है, हम ये बात जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसेकेंट फंक्शन। ठीक है, तो हमें ये बताना होगा कि साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेकेंट क्यूब थीटा की क्या वैल्यू है। यहाँ पर मैं क्यूब को जरा बेहतर लिख देता हूँ, रीडेबल हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो अब इसकी क्या वैल्यू होगी ये हमने बतानी है। इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखिए, ये बात हम जानते हैं कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर हम इस रिलेशन को यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसमें कि a प्लस बी यानी a इसमें साइन थीटा है, ठीक है, इसको मैं साइन थीटा का क्यूब कह सकता हूँ और इसे मैं कोसेकेंट थीटा का क्यूब कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू को हमने दर्ज कर लिया। देन अगर हम यहाँ पर a की जगह लिखें साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये साइन थीटा a है और b है कोसेकेंट थीटा। ठीक है, जबकि प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ तक हम आ गए। ठीक है जी, अब देखें हम एक बात जानते हैं कि हमें जो वैल्यू गिवन है साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, ये अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पर एक तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3, और इधर हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं। इन दोनों टर्म्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और साथ में मैं अगर इस तरह से कर लूँ कि प्लस 2 साइन थीटा कोसेकेंट थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लूँ एक फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। देखिए, एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर और ये प्लस 2ab लिखा हुआ है। ठीक है, एक फार्मूला बन गया, जबकि जो रकम मैंने माइनस प्लस किया वो मुझे माइनस भी करनी होगी। तो मैं माइनस 2 साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस भी कर दूंगा। ठीक है, और ये टर्म जो कि माइनस साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, ये भी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर ये भी एज इट इज आ जाएगी। अब हम इसमें ये इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 3, यहाँ पर मैं साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, जबकि ये जो है हमारे पास कोफिशेंट ऐड हो जाएंगे, माइनस 3 कोफिशेंट बन जाएगा, माइनस 2 ये और माइनस 1 ये, माइनस 3 टाइम्स साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 3, ये वैल्यू हमारे पास गिवन अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा कोसेकेंट थीटा एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्सिज हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और इससे मजीद अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 3, अब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, जबकि 3 वन टाइम होता है 3, तो ये 3 से चूंकि एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सिज हैं कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 हमारा आंसर 0 आ गया। इसलिए जो ऑप्शन ए है इन तमाम ऑप्शन में वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।